आज हम बात करेंगे ओप्पो के बारे में। ओप्पो ने हाल ही में एक नया मॉडल लॉन्च किया है जो कि मिड नाइट रेंज में है और काफ़ी ज़्यादा क्लासिक मॉडल है, वो बात करेंगे हम नए मॉडल। मॉडल का नाम है ओप्पो A15। फ़ोन हमारे पास आ चुका है, मैं दिखा देता हूँ आपको। फ़ोन हमारे पास अवेलेबल कराया है सीहोर में रवि मोबाइल शोरूम से, आप चाहे तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं। मॉडल के बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे, स्पेसिफिकेशन के बारे में करेंगे अनबॉक्सिंग। मैं हूँ राज, लेट स्टार्ट। फर्स्ट में हम बॉक्स ब्रांडिंग देख लेते हैं। बॉक्स में जो है फोटो दिया हुआ है मोबाइल का और ओप्पो A15 ब्रांडिंग की हुई 3/32 मेंशन किया हुआ। ऊपर राइट हैंड साइड पे ओप्पो और लेफ्ट हैंड साइड पे भी ओप्पो की ब्रांडिंग है। बैक साइड में जो है EMI नंबर की डिटेल, कैमरा वगैरह, फिंगरप्रिंट और बैटरी कुछ डिटेल दी हुई है। नीचे साइड देखेंगे तो नीचे कुछ प्राइसिंग वगैरह, कलर वगैरह और बाकी सब बॉक्स के अंदर क्या क्या है वो दिया हुआ है। इसका जो प्राइस कंपनी ने दिया हुआ है वो मैं आपको वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। बॉक्स के ऊपर 12,990 प्राइस है और ये इसका रियल प्राइस नहीं है। कर लेते हैं हम अनबॉक्सिंग। कर लेते हैं हम बॉक्स के अंदर, एक मिनी बॉक्स है। इसके अंदर देखा जाए तो एक सिलिकॉन कवर दिया हुआ है जो कि थोड़ी अच्छी क्वालिटी का दिखाई देता है हमें। साथ में कुछ यूज़र मेन्यू गाइड वगैरह दिए हुए हैं और सिम इंजेक्टर टूल दिया है। फ़ोन काफ़ी ज़्यादा क्लासिक लुकिंग में है, कर्व डिज़ाइन में है। बाकी एसेसरीज हम चेक कर लेते हैं। एसेसरीज में एक एडाप्टर है जो कि 10 वाट का ओप्पो ने हमें अवेलेबल कराया हुआ है और एक डाटा केबल है जो कि सी टाइप डाटा केबल नहीं है, लेंथ इसकी थोड़ी मीडियम लगती है। फ़ोन की बॉडी के बारे में बात करते हैं, पीछे ग्लास फिनिश के साथ ग्लास दिया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग में है और ओप्पो की यहाँ पर ब्रांडिंग है और जो कलर जो इसका है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर और हमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जो है कर्व डिज़ाइन में राइट हैंड साइड देखें तो वॉल्यूम की, देन उसके नीचे ऑन ऑफ की दी हुई है। ऊपर साइड देखें तो हम ऊपर साइड फ्लैट है और उसके लेफ्ट हैंड साइड देखें तो सिम टूल लगा हुआ है जिसमें दोनों सिम और मेमोरी कार्ड हम लगा सकते हैं। नीचे देखा जाए तो चार्जिंग पॉइंट, माइक और 3.5 mm का हेडफोन जैक है विथ स्पीकर के साथ। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग देता है और ओप्पो A17 जो लेटेस्ट आया है उसी की डिज़ाइन में यहाँ पे कैमरे दिए हुए हैं, 3 कैमरे और एक साथ में फ्लैश दी हुई है। डिस्प्ले की बात करते हैं हम, डिस्प्ले 6.52 इंचेस की डिस्प्ले, लार्ज डिस्प्ले दी हुई है जो कि FHD+ डिस्प्ले है। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन डिस्प्ले है जो कि वाटर ड्रॉप स्क्रीन के साथ हमें अवेलेबल कराई है। डिस्प्ले जो है कि गोरिल्ला ग्लास 3 डिस्प्ले है। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, 175 ग्राम का फ़ोन है तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट फीलिंग देता है। जो इसकी बैटरी है 4230 mAh की बैटरी है और 10 वाट का एडाप्टर दिया हुआ है कंपनी ने, तो ये 1 घंटे के समथिंग में, 1 घंटे 5 मिनट में फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा जिससे हम फ़ोन को बार बार चार्ज कर रिचार्ज करके और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं फ़ोन के कैमरे की, बैक साइड देख लेते हैं। बैक साइड 3 कैमरे दिए हैं, 13 MP का रियर कैमरा दिया हुआ है, 2 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया हुआ है और 1 2 MP का डीप सेंसर कैमरा दिया हुआ है। फ्रंट में जो कैमरा दिया है वो 5 MP का कैमरा दिया है। यहाँ थोड़ा मुझे कम लगता है फ्रंट का कैमरा 5 MP, लेकिन हम जो है इसके फ़ोटो वगैरह चेक कर लेते हैं। ये फ्रंट के कैमरे का फ़ोटो है 5 MP कैमरे का, ये जूम करने पर हल्का ब्लर हो जाता है लेकिन फिर भी एवरेजन क्वालिटी दिखाई देती है। बैक साइड कैमरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कैमरा है और काफ़ी अच्छी डिटेलिंग देखने को मिल जाती है इसमें हमें, तो मुझे इसका बैक कैमरा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। साथ में इस फ़ोन के लुक के साथ इसका लुक भी जो है कि वो इसके रेंज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 3/32 का जो ये वेरियंट है। एंड्रॉयड वर्जन की, तो एंड्रॉयड वर्जन का इसका लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है 10 का और प्रोसेसर की बात करें तो 1.8 ऑक्टोकोर प्रोसेसर P35 का प्रोसेसर है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अब इसके प्राइसिंग की बात कर लेते हैं हम, कंपनी ने इसका प्राइस रखा हुआ है 10,999 रुपये जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। फ़ोन की जो कैमरा क्वालिटी है, बैक कैमरा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और फ़ोन का लुक जो है वो कर्व डिज़ाइन में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। दोस्तों आप कमेंट्स करना आपको फ़ोन कैसा लगा। आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टोरेज के बारे में बता दूं मैं आपको, इसमें जो 32 GB स्टोरेज है जिसके अंदर 13 GB स्टोरेज इसमें यूज़ हो गई है इसी की एप्स वगैरह में, तो आपको यहाँ 13 GB स्टोरेज कम मिलेगी 32 GB में से। ये था फ़ोन का ऑल ओवर रिव्यू और अनबॉक्सिंग। आपको फ़ोन कैसा लगता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं रिकमेंड करूंगा इस फ़ोन को क्योंकि इसका लुक जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और बहुत ही कम रेंज में बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है अच्छे कैमरे के साथ। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।